हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कैंड्रोन एलडीसीई क्लासेस। सर कैंड्रोन एलडीसीई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह मैसूर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर है और ऑलरेडी हम पार्ट वीडियो वन देख बना चुके हैं, उसको भी आप जरूर देखिए। आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे। यह एग्जाम 18 जनवरी 2024 को हुआ है, तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ द हाइएस्ट पार्सल रेट among the flowing parcel scale? Here four options has been given. According to option, your answer will be option B, R scale. कहता है निम्नलिखित पार्सल पैमानों में से उच्चतम पार्सल रेट कौन सी होती है, तो वह R scale होती है। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो पार्सल जो स्केल्स होते हैं वह कौन कौन से होते हैं और कितने तरह के होते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सपेंड टैग, TAG टैग, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, ट्रेन एट ए ग्लांस। कहता है टैग TAG जो टैग है इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या होगा, इसका एक्सपेंड फॉर्म जो होता है वो ट्रेन एट ए ग्लांस होता है, ट्रेनें एक नज़र में। क्वेश्चन नंबर 28, रेलवे कोड ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इज, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, NDLS। ये आप सबको पता होगा, रेलवे न्यू दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है उसका जो स्टेशन कोड होता है वो क्या होता है, NDLS होता है, NDLS। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सपेंड RBS, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, रेट्स ब्रांच सिस्टम। कहता है RBS का एक्सपेंड फॉर्म क्या होगा, तो इसका आंसर जो होता है वो रेट्स ब्रांच सिस्टम होता है। देखिए, एब्रीविएशन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और जब आप हमारे सर्कंड रोन LDC क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाइएगा तो एब्रीविएशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं। और अभी तक जितना हम क्वेश्चन 29 डिस्कस कर चुके हैं, पहले के वीडियो और अभी के वीडियो में, आप एक भी क्वेश्चन उस ऑब्जेक्टिव से नहीं बचा होगा। मतलब अगर आप उसको देखे होइएगा या देख लिए होइएगा तो पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन जो है हमारे उस यूट्यूब चैनल के वीडियो से इसमें टैली कर रहे हैं, 100% मिलेगा। इसीलिए आप सबको रिक्वेस्ट है कि अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे LDC एग्जाम CCTC कॉमर्शियल का स्पेशली तैयारी कर रहे हैं या ऑपरेटिंग का भी देख रहे हैं तो आप सरकंड्रोन LDC क्लासेस को जरूर विजिट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन हैं वहाँ पे, वीडियोज हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो RBS का जो एक्सपेंड फॉर्म होता है वो होता है रेट्स ब्रांच सिस्टम होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवेज, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 17। भारतीय रेलवे में कितने जोन्स हैं, तो 17 जोन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सेक्शन अंडर रेलवेज एक्ट इनेबलिंग प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन रेलवे परमिसेस आर एंड ट्रेन्स, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, सेक्शन 167। कहता रेलवे अधिनियम के तहत रेलवे परिसरों और ट्रेनों में धूम्रपान करना मना है, और इस तरह का नोटिस आप रेलवे के बोगी वगैरह में भी देखे होइएगा, तो यह मना ही जो किया गया है वह सेक्शन 167 में दिया गया, इसका प्रावधान कि स्मोकिंग करना जो है वो पनिशेबल ऑफेंस है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। इसका मना कहाँ किया गया, किस सेक्शन के द्वारा, तो सेक्शन 167 द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, TCAS फुल फॉर्म इज, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम। कहता है TCAS का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसका होता है ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम, जिसको हिंदी में ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कहते हैं। आए दिन इसके बारे में भी सुनते होइएगा कि ये सब सिस्टम या कवच ये सब ट्रेनों में क्यों नहीं लगाई जा रही है ताकि एक्सीडेंट को रोका जा सके, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, ट्रांसफर ऑफ टिकट इज ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989, यार फोर ऑप्शन हैज बीन गिवेन, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेक्शन 142। कहता है रेलवे अधिनियम की किस धारा द्वारा टिकट का स्थानांतरण दंडनीय अपराध है, आप टिकट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, यह मना है,
ठीक है, किस सेक्शन के द्वारा, तो रेलवे के सेक्शन 142 के द्वारा। अगर ऐसे करते कोई पकड़ जाते हैं तो कानूनन जुर्म है, इसके द्वारा उनको पनिशमेंट हो सकता है, जुर्माना हो सकता है, जेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इस सेक्शन से भी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हमारे चैनल पर बने हुए हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ लॉन्ग इज द प्रवीण कोर्स कंडक्टेड अंडर इंटेंसिव ट्रेनिंग, योर हेयर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 20 वॉकिंग डेज। कहता है गहन प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रवीण जो पाठ्यक्रम होते हैं वो कितने समय तक संचालित किया जाता है, तो यह 20 वर्किंग डेज तक, 20 कार्य दिवस तक जो है यह प्रशिक्षण मतलब चलाया जाता है। क्वेश्चन 35, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 30 मेंबर्स। कहता है संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो उसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं। तो ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 36, हाउ लॉन्ग इज द प्रबोध कोर्स कंडक्टेड अंडर इंटेंसिव ट्रेनिंग, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 25 वॉकिंग डेज। कहता है गहन प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रबोध पाठ्यक्रम में कितने समय तक संचालित किया जाएगा, तो इसमें 25 वर्किंग डेज होता है। देखिए एक चीज, क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होइएगा, 34 जो क्वेश्चन नंबर है उसमें प्रवीण कोर्स पूछ रहा है इसलिए वो 20 वर्किंग डेज होगा। 36 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रबोध कोर्स है इसलिए इसमें 25 वर्किंग डेज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, Who are all the employees classified under category C? Here four option has been given. According to option, your answer will be option C. Whose mother tongue is Marathi, Gujarati, Bengali, Odia or Assamese? कहता है कि श्रेणी सी के अंतर्गत वर्गीकृत सभी कर्मचारी कौन कौन आएंगे, तो इसके अंतर्गत जो जिनका मातृभाषा जो है, जिनकी मदर टंग जो है मराठी हो, गुजराती हो, बंगाली हो, उड़िया हो या समिया हो, ये सब के सब क्या है मतलब वर्ग सी में आते हैं, ग्रुप सी में आते हैं। देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज में भी वीडियोज ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बने हुए हैं, अगर आप उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो पक्का हम बोलते हैं कि आपका कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स जो है वो एक भी क्वेश्चन ऑफिशियल लैंग्वेज का नहीं छूटेगा, ठीक है। तो जरूर विजिट कीजिए सर कैंट्रोनल डीसी क्लासेस को और उसको जरूर देखा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट आर ऑल द फोर हिंदी कोर्सेस प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञा, प्रांगघाट। हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञा एंड प्रांगघाट। कहता है कि केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित सभी चार हिंदी पाठ्यक्रम कौन कौन से हैं, तो ये जो चार जो पाठ्यक्रम है वो प्रबोध है, प्रवीण है, प्राज्ञा है, प्रांगघाट है। ये चार कोर्सेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो इम्प्लाइज होते हैं उनके लिए चलाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हु कंडक्ट्स द हिंदी एग्जामिनेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लाइज, योर आंसर विल बी ऑप्शन ए हिंदी टीचिंग स्कीम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। कहता है केंद्र सरकार के लिए हिंदी परीक्षाओं का संचालन कौन करता है, कौन करता है कर्मचारियों के लिए, इसका आंसर होगा हिंदी टीचिंग स्कीम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा विभाग के अंतर्गत हिंदी शिक्षण योजना के द्वारा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज होते हैं जो नॉन हिंदी वाले होते हैं उनको ये प्रशिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल, योर आंसर विल बी ऑप्शन डी नेपाली। कहता है कि 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है, तो वो नेपाली है। नेपाली एक ऐसी भाषा है जो हमारे 8वीं सूची में शामिल किया गया, जो फॉरेन लैंग्वेज है। क्वेश्चन 41, इन विच ईयर सिंधी वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी
1963 कथा सिंधी को आठवीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में कब ऐड किया गया है, तो 1963 में किया गया, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफिशियल लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं और इस पर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन 42, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर। कथा केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन 43, विच मिनिस्ट्री टेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर्टेनिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज, योर आंसर विल बी ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कहता है राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जो निर्णय होते हैं वो कौन सा मंत्रालय लेता है, तो वो जो लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेते हैं। ये सब के सब ऑफिशियल लैंग्वेज के क्वेश्चन है जो सरकंडर LDC क्लासेस पे आपको इजीली मिल जाएंगे। जो है क्वेश्चन 44, सी इज मैरिड डैश एन इंजीनियर, ये देखिए इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल जो LDC एग्जाम्स होते हैं उसमें इंग्लिश ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और डिपार्टमेंटल LDC एग्जाम्स में हम वीडियो बनाए हुए हैं कि CCTC के एग्जाम का सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, सी इज मैरिड डैश एन इंजीनियर, हियर फोर ऑप्शन हैज बीन गिवन, योर आंसर विल बी ऑप्शन A2, सी इज मैरिड टू एन इंजीनियर। देखिए यहाँ जो प्रीपोजिशन इसके साथ लगेगा, मैरिज के साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा वो टू लगेगा, सी इज मैरिड टू एन इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 45, ऑल इज नॉट वेल डैश द ऑटोमोबाइल सेक्टर, आंसर विल बी ऑप्शन सी इन, ऑल इज नॉट वेल इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। ये ऑल इज नॉट वेल इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, यहाँ इन प्रीपोजिशन लगेगा, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, द एंटायर विलेज कंडोल्ड डैश द जवान्स विडोज इन हर वे बेरिएवेमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, द एंटायर विलेज कंडोल्ड डैश द जवान्स विडो इन हर बेब्रेवियमेंट, आंसर विल बी ऑप्शन डी विथ। कहता है कि ये जो द इंटायर विलेज कंडोल्ड, ये जो है ना, तो यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन लगेगा। क्वेश्चन 47, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, गोखलेज पैट्रियोटिक स्पीसीज डैश पीपल टू डेडिकेट देयर लाइफ टू द नेशन, आंसर विल बी ऑप्शन बी इंस्पायर्ड। गोखलेज पैट्रियटिक स्पीसीज इंस्पायर्ड होगा पीपल टू डेडिकेट देयर लाइफ टू द नेशन। क्वेश्चन 48, आई हैव लर्नड दिस लेसन वर्ड डैश वर्ड, आंसर विल बी ऑप्शन सी बाय, आई हैव लर्नड दिस लेसन वर्ड बाय वर्ड। ये प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन से भी रिलेटेड हम वीडियोस बनाए हुए हैं, हमारे सरकंडन LDC क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, राज वाज डैश इंट्रोवर्ट एंड वुड प्रिफर टू सीट इन द लाइब्रेरी रादर देन गो आउट विद फ्रेंड्स, आंसर विल बी ऑप्शन D N। राज वाज एन इंट्रोवर्ट एंड वुड प्रिफर टू सीट इन द लाइब्रेरी रादर देन गो आउट विद फ्रेंड्स। क्वेश्चन 50, Let us know dash you change your mind, answer will be option C, in case, let us know in case you change your mind। तो आज की क्लास में हम लोग फिर 25 क्वेश्चंस को देखे हैं जो मैसूरी डिवीजन में CCTC कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के एग्जाम हुए हैं, कमर्शियल डिपार्टमेंट के 18 जनवरी 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे पूछे गए हैं, यहाँ जो इंग्लिश से जो क्वेश्चन देख रहे थे और इस पर जो हम वीडियोज भी ग्रामर के लिए बनाए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकंडन LDC क्लासेस।